हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू चैनल रुखसाना एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो जल्दी जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ढेर सारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी शेयर करिएगा। और आपको लग रहा होगा मेरे मुंह पे इतना आटा क्यों लगा हुआ है, क्योंकि अभी हमने किया है एक रील शूट, तो यहाँ पे वीडियो बनाने का हो रहा था ताम झाम, तो हमारी वीडियो हो चुकी है शूट। तो मैंने सोचा क्यों ना आज व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए, और जनाब रील बनाने के बाद, रील मतलब कि वीडियो बनाने के बाद एडिट करने बैठ गया आशीष, तो एडिट करने लग गए। आज तो मैं आपको बताती हूँ डिटेल में कि आज मैंने रैंडम व्लॉग क्यों स्टार्ट किया। मेरे घर का सारा काम खत्म हो चुका है, सब कुछ शाम होने वाली है, 4 बजने वाले लगभग, तो मैंने सोचा आज चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सर बहुत पसीना आ रहा है, एसी भी नहीं ऑन है। तो आज का व्लॉग क्यों स्टार्ट किया है मैं आपको डिटेल में बताऊं, तो जैसे कि आपको पता है या पता नहीं भी होगा शायद, तो क्योंकि आशीष की जो बड़ी बहन है रीता दीदी, जिनको आपने मेरे व्लॉग्स में भी देखा होगा, वो है प्रेग्नेंट, या उनका 8th month स्टार्ट हो चुका है। और मैं फ़ोटो भी डाल दूँगी, अगर आपने उनको नहीं देखा तो यहाँ पर उनकी फ़ोटो डाल दूँगी। और उनका 8th month स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा उन्हें सरप्राइज़ दिया जाए, छोटू सा। आई नो मुझे नहीं पता ऐसा क्या होता है क्या नहीं होता, मतलब मुझे कुछ नहीं पता सीरियसली, बस मुझे इतना पता है कि वो प्रेग्नेंट है, हमारे घर एक छोटू सा नन्नू सा क्यूट सा बेबी आने वाला है। तो मैंने सोचा उनको क्यों ना एक छोटा सा सरप्राइज़ दिया जाए। और प्लीज़ बैकग्राउंड को छोड़ देना, सब मैं सब को रखा है क्योंकि मैं वीडियो शूट करने के वक्त सब फैला देती हूँ ऐसे ही। तो या बस मुझे उनको छोटा सा सरप्राइज़ देना है, घर में एक छोटा सा मैंने फंक्शन रखा है उनको लिए, उनको सरप्राइज़ देने के लिए। तो बात यहाँ है कि मैंने जीजा को बोल दिया है कि उनको शाम को घर ले आएँ, कुछ भी बहाना बना के, अपने मत्थे मर के, जो भी उन्हें झूठ बोलना है जैसे भी बोलना है, तैयार करके बढ़िया से उनको घर पर लेके आएँ। और आज मैं करने जा रही हूँ घर पर पूरा डेकोरेशन एंड ऑल करने वाली हूँ, खाना पीना सब बनाने वाली हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ अपने रील्स की वजह से, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं सारा सामान भी ले आई। और हाँ, मैंने केक वाले भैया को फ़ोन भी कर दिया था, केक का ऑर्डर मैंने उनको इतनी मशक्कत से समझाया है ना अपने केक के बारे में कि मुझे केक ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए, वो भी परेशान हो गए थे भैया कि बाप रे इतनी सारी डिमांड। तो बस मैंने कहा कि बस मैंने बोला कि मेरे केक में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, जैसा मैंने केक बोला वैसे ही आना चाहिए। और मैं आपको कुछ डेकोरेशन का सामान जो लेकर आई वो दिखा देती हूँ। ये रहा बेबी शार का पूरा बैनर, जो कि क्या बोलते हैं उसको, बलून्स वाली शेप में है, हाँ फॉइल बलून वाले में है। एंड इसके अंदर मैं बलून्स लेकर आई हूँ, और इसके अंदर देखिए बेबी बना हुआ है, बेबी की बॉटल, बेबी के पैर, सब कुछ लेकर आई हूँ मैं। होप सो दीदी को मेरा ये छोटा सा सरप्राइज़ अच्छा लगे। या दैट्स इट, तो चलिए चलते हैं डेकोरेशन। तो फाइनली हमने डेकोरेट कर लिया है, कितना प्यारा लग रहा है, मतलब आशीष से सोचा था हमने बना पाएंगे, ये थोड़ा आर्च वाला लुक हमने देने की कोशिश करी है। इट्स अ बॉय इट्स अ गर्ल, बेबी शार, दो नंगू पुंगू बच्चे नहीं, डाइपर पहने हुए दोनों ने, पैर मतलब बहुत प्यारा लग रहा है। ये मैं और आशीष खरीद के लाए थे ना बहुत मेहनत करके, और फैन बंद रख रहे वरना ये शावर पूरा ना उड़ने लग जा रहा है, तो गर्मी भी लग रही है। और ये रही मैं बड़ी गंदी सी लग रही हूँ, और मैं किचन में काम कर रही हूँ, तो पूरा घर देखो कैसे फैल गया है। आशीष कह रहे तू ही सफाई करियो है ना, पर ऐसा नहीं होगा, आशीष मेरी मदद कराएगा। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये लग रहा है कि ये हमने डेकोरेट किया है नहीं ना। बहुत पसीना हो रहा है, बहुत गर्मी हो रही है, तो चलिए अब खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, थोड़ी बहुत इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं। एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, क्यों नहीं, ये कैसा लगेगा पता नहीं, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, डेकोरेशन एंड ऑल। और केक भी मेरा रेडी है, तो आशीष जा रहा है केक लेने के लिए, तो चलिए अब हम खाना बनाते हैं फटाफट। कर रही थी और ये लेके आ गया केक, जाओ रख दो फ्रिज में इसको, और भुट्टा भी साथ में, इतना बड़ा केक है। मैं भी मेकअप कर रही थी अपना, तो जस्ट अभी मैं मेकअप का शूट करके आया, कितना अच्छा लग रहा है मेकअप मेरा, सिंपल सा सेटल सा। और आशीष लेके आया था गोलगप्पे और चाउमीन, हम दोनों खा रहे हैं, अभी दीदी घर पर नहीं आई हैं, वो कह रही है ये हो रहा है मेरे वो हो रहा है, उनको बाप रे सिर्फ बहाना बना बना के बुलाना इतना मुश्किल है, उनको हमने बहाना बना के बोला हम किसी पार्टी में जा रहे हैं। जान मुझे मेरा मुंह बंद कर दिया ना, तो रुको सांदिया आटा देखो, ओ, कितनी मेहनत करती है बेचारी, मेहनत के लिए है भाई।
क्या चीज़ हमने तो किसी के भी हो कैमरा खराब है क्या। तो फाइनली दीदी आ चुकी है और अब हम सोफे का कवर काट के केक लगाने के लिए, केक भी मैं भी आपको शो करती हूँ। ऑसम आया मेरे को देखने में तो अच्छा लग रहा है, टेस्ट पता चल गया खा के। फर्स्ट टाइम मैंने किसी मदर के लिए केक मंगाया, मैं तो होने वाली माँ के लिए। ये मैंने बहुत मशक्कत करके उनको बताया था, ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा लग रहा है ना? Can't wait to see. Yes. मुझे तो नहीं रहा है भाई, छोटे छोटे बेबी को खिलाऊंगी जब आए। अच्छा लग रहा है, रख दो। अच्छा लग रहा केक? और वो देखो कैसा लग रहा है। अच्छा अच्छा लग रहा है। हां मम्मी को बुला। चुप 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 अभी नहीं, आओ जरा लाइट जला दो वाली, रुको आप दवाई की तब आओ। ये तो बुलाया, आओ ना। अरे आप जो नहीं रहे, सरप्राइज देखो तो सही। वो लड़की का दूध पीने वाला है, वो लड़के का दूध पीने वाला है। एक ही लड़की है, वो एक लड़का है। ये लड़की का पैर है, ये लड़के का पैर है। सच में बहुत अच्छा हो रखा है, इतना अच्छा डेकोरेट कर रखा है। सच में मैंने कब से सब कुछ रेडी करके बैठी हूं, जी जाएगी फोन का देखने। नहीं ये उड़ जाएगा ना, मतलब यहाँ से कहीं और जाने का कोई प्लान नहीं है ना। इन्होंने बोला था कोई गाड़ी आ रही है, आज इसको तभी देख रही हूँ। यही तो प्लान हो गया तुम्हारा, यही तो बर्थडे पार्टी है। बोल रही थी सबसे बड़ी देखो ना, इतना ही ज्यादा। अरे आपको मालूम था, ये पहले आके देख के चला गया, पर इसको मालूम नहीं होगा। ये ना ये बात नहीं, किसी को नहीं पता। रुक जाएगा तो गया ना केक, केक वाले का दिमाग, केक वाले का दिमाग खा खा के मैंने केक बनाया। सच में तुम बहुत प्यारी है आज, बहुत देर कुछ कर लेगी मेरे लिए भी। मैं तो कब से रेडी थी, मैं कब से सब कुछ करके बैठी हुई थी। जीजा ही नहीं फोन करे तुम जाने के लिए। रुक जा एक मिनट, रोहित बोले थे कोई नहीं आराम से चलेंगे। चलो भाई माम तो भी लड़की चाहिए मुझे, सभी को लड़की चाहिए। ये मेरे को एक ऐसा ड्रेस कुछ चाहिए था बेबी होने से पहले, और प्लस बेबी शावर एक फोटो शूट। मैं तो सोच रही थी कि 8वां या जो 9वां महीने का शुरू होता है कब वो दिन आएगा, तब मैं करूंगी, तब इसीलिए वेट करूंगी। चलो मैंने आपको ब्लॉग याद आ गया है, बना तो रहा हूं। सब्जी को दिखा दो, सब्जी गर्म हो गया। खुशबू तो अच्छी आ रही है यार, खुशबू तो सही आ रही है। रुको सब्जी में से साड़ी पहन के बनाई है, साड़ी का कमाल है। जो तो पूरी मिल रही है, मेरा का प्लान था फिर आपका किस चीज का? मतलब सब छोटी वाली मामी का, मेरा कुछ भी नहीं।
छोटी वाली मामी ने प्लान किया था सब। केक कटिंग करने के बाद सबको लग गई थी जोरों की भूख, तो हम आ गए थे दूसरे कमरे में। सबने डिनर किया, मेरा त्रिउंड का व्लॉग देख रहे थे, सबको इंजॉय कर रहा था और डिनर काफ़ी टेस्टी और यम्मी बना था। जीजा काफ़ी तारीफ कर रहे थे। और रही बात सरप्राइज़ की, तो दीदी को सरप्राइज़ मेरा बहुत अच्छा लगा और वो जो बेबी के क्यूट सी ड्रेस थी ना, वो तो उनको खासकर बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो बस छोटा सा हमने फैमिली टाइम स्पेंड किया और सरप्राइज़ दीदी को अच्छा लगा, इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो पूरा व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना। मेहनत करता है।